वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बारे में। जैसे आपको कुछ डेटा अपना स्टोर करके रखना है ब्राउज़र पे कि जब भी हमारा पेज रिफ्रेश हो वो डेटा हमारा कैसे से निकल के आ जाए, मतलब वो हम रखेंगे लोकल स्टोरेज में, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे। अच्छा, जो डेटा है वो कहाँ पर स्टोर होगा वो आप चेक कर सकते हो एप्लीकेशन के अंदर। ये देखो, इसमें होगा लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। पहले हम उनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। तो लोकल स्टोरेज को स्टोर करने के लिए जैसे हमारे पास इसमें देखते हैं लोकल स्टोरेज कितने की सेट हैं। अभी एक भी की सेट नहीं है तो हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो इसमें यूज़ करना आपको लोकल स्टोरेज डॉट, आपको सेट करना है तो सेट आइटम, आपको क्या सेव करना है, मेरे को करना नेम। तो मैं क्या कर दूँगा, नेम कर दो भाई कोड इम्प्रूव, ठीक है। मैं चेक करता हूँ सेव हुआ, ये आ गया, देखो नेम हो गया सेव, ठीक है। मैं चाहता हूँ भाई एक और की सेव कर दो इसमें, कुछ भी हमारा ईमेल आईडी इसमें सेव कर दूँ। ईमेल आईडी हम डाल देते हैं ऐसे ही test@gmail.com। उसने बस ईमेल आईडी भी सेव कर दी। या कोई डेटा हमारा काफ़ी एरे वगैरह में आ रहा है तो लेट एरे में पास 12, 14, 16, 18, तो इस एरे को स्टोर करना है तो इस एरे को भी हम स्टोर कर देते हैं लॉट डेट, यहाँ ले देते हैं एरे डेटा। इसको क्या करना पड़ेगा, जेसन स्ट्रिंगिफाई करके हम सेव कर सकते हैं इसको, चेक करते हैं। तो ये देखो ये भी हो गया। अब ये वैल्यू मेरे को गेट करनी है, जो भी मैंने सेट करा है वो मेरे को गेट भी करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेट मेरे को चाहिए नेम कि जो इसका नेम है फुल नेम वो दे दो। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और उस की का नेम मेरे को चाहिए नेम। तो मैं क्या करूँगा, इसको कंसोल करा देता हूँ। तो देखो मिल गया, ये मैंने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इन सब को कमेंट कर दिया मैंने। इसको मैं कितनी बार भी रिफ्रेश करूँगा, चाहे हार्ड रिफ्रेश कर लूँ, ये मेरे को वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये मेरी यहाँ पर स्टोरेज में सेव हो चुकी है तीनों वैल्यू, चाहे ये इस ब्राउज़र पे हो या ये नेक्स्ट टैब में हो, यहाँ पर भी देखना मेरे को वैल्यू मिलेंगे। ये देखो एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। चलो अब बात आती है कि मान लो मेरे को इनमें से कोई भी की हटानी है तो मैं क्या करूँगा, कोई भी की रिमूव करनी है तो रिमूव करने के लिए देखो पहले आ गया नेम, लेट ईमेल भी लेना है तो मैं ईमेल भी ले लेता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ईमेल कंसोल लॉग ईमेल, ये ईमेल आ गया। सेम मैं क्या करता हूँ, इसका एरे लेना था ये वाला एरे डेटा, एरे डेटा नाम से की रख ली मैंने, ये आ गया। तो ये अभी एरे नहीं है, इसको मैं क्या करता हूँ, जो एरे डेटा है उसको चेंज कर देता हूँ जेसन डॉट पार्स, ये मेरा अब एरे बन गया, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि मेरे को कोई की अनसेट करनी है, जैसे मेरा ये है नेम ईमेल, मान लो मेरे को जो ये नेम है ये अनसेट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं जाऊँगा लोकल स्टोरेज डॉट, यहाँ होता है रिमूव आइटम, आपको कौन सा आइटम रिमूव करना है, मेरे को करना है ईमेल। तो मैं जैसे ईमेल वो करूँगा, ये देखो ईमेल हट गया मेरा, अब यहाँ पर मेरे को नल मिल रहा है, ठीक है। अगर मान कर लो मेरे को चाहिए कि ये सारा ही मेरे को रिमूव करना है कि जो भी मेरा सेशन लोकल स्टोरेज सेट है वो सब क्लीन कर दो, तो उसके लिए मैं क्लियर यूज़ करूँगा। अब देखो यहाँ सारे नल आ रहे हैं क्योंकि वो अपने आप ही यहाँ से हट गई हैं की, ठीक है। उसके लिए ये सब चीज़ यूज़ करी है मैंने। अब बात आते हैं लोकल स्टोरेज की, तो मैं क्या करता हूँ ये सारी लाइनें कर देता हूँ कमेंट। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, तो देखो लोकल स्टोरेज वो सेशन स्टोरेज, सॉरी सेशन स्टोरेज को सेव करने के लिए सेम तरीका है, सेशन स्टोरेज गेट आइटम। तो जो जो हमने यूज़ करा है ना, चाहे सेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, क्लियर करने के लिए, सब में सेम ही होने वाला है, बस आगे जो लोकल स्टोरेज है वो हो जाएगा सेशन स्टोरेज। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो आपने, जैसे मैंने कोई
आईपी, कोई भी आईपी आईडी डाल दी मैंने 1.2.1.A.0, ठीक है, ASOP, ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। अब मैं चेक करता हूँ इसको, ये देखो अभी ये नहीं डाली, सेव करा, एक सेकेंड, गेट नहीं, सेट होगा, सेट आइटम। तो ये देखो ये आईपी डल गई मेरी सेशन में, लेकिन अभी ये देखना, इसको मैं गेट करता हूँ, एक और डाल लेता हूँ कि ये आईपी वन होगी, ये आईपी होगी टू। देखो लोकल वाली डल रही थी यहाँ पर, सेशन वाली जा रही है यहाँ पर, ये देखो सेकंड भी आ गई। अब मैं इसको गेट करता हूँ, तो गेट करने के लिए सेम वही तरीका, लेट आईडी वन, ये सेशन स्टोरेज, तो सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम। आपको कौन सा आइटम चाहिए? मेरे को चाहिए आईपी आईडी, ठीक है। मैं यहाँ कर लेता हूँ कंसोल लॉग आईडी वन। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, ये देखो मेरे को मिल गया आईडी। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। अब मान लो इसको गलती से मैं नेक्स्ट टैब में देखूँगा ओपन करके, क्या ये मेरे को मिलेगी? चेक कर लेते हैं, रुको, क्योंकि अभी ये सेट हो रहा है ना हर बार। ये मैंने कमेंट कर दिया, ये मैंने देखो इस वाले पेज पे जाके, रुको, इसको मैंने सेट करा यहाँ पर। अब मैंने कर दिया इसको कमेंट। अब मैं इसको देखता हूँ इसी पेज पर, ये मेरे को मिल रही है। अब मैं गया नेक्स्ट स्टेप पर, इसको बंद करके नेक्स्ट स्टेप पर गया मैं, यहाँ मैंने चेक करा और ये देखा यहाँ नहीं मिल रही, और एप्लीकेशन के अंदर क्या यहाँ पर भी नहीं है, और जबकि यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर ये देखो है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो सेशन है वो एक ही टैब के लिए स्टोर होगा। अगर आप नेक्स्ट टैब खोलते हो तो वहाँ पर नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप लोकल स्टोरेज करते हो, आप कितने भी टैब यूज़ कर लो, उन सब में आपको दिखाई देगा ये, जैसे कि ये रहा। एक सेकेंड, इसमें क्लियर कर रखा है, ये देखो ये एक बार सेट कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ सेट करने के बाद। अब चाहे आप इसको यहाँ पर भी चेक कर लो या यहाँ पर चेक कर लो, ये देखो आपको ये वैल्यू मिलेगी मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर कि जो ये सेशन है इसको अनसेट करना है, क्लीन करना, तो सेम आप यही चीज़ यूज़ करो कि जो भी सेशन है यहाँ पे हम जो सेट कर रहे हैं उसको मेरे को जो आईडी वन है इसको रिमूव कर देना है। तो इसको करते हैं रिफ्रेश, अच्छा ये होगा सेशन, तो ये देखो रिमूव हो गया। एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे हम सेशन के अंदर, ये देखो रिमूव हो गया। अगर आईडी टू को करना होता तो वन सेट होगा, टू रिमूव हो जाएगा। अगर पूरा ही करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी और इसको कर दूँगा मैं क्लियर, तो पूरी सेशन वो हो गया, स्टोरेज अनसेट हो गई, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये था लोकल स्टोरेज और सेशन कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।